नमस्कार जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना दिल्ली हेडक्वार्टर से आप हमारा साथ जो रिया सिंह बैठा हूँ अभी उनको उनका बात सुनिए। मिस आपका नाम बताइए। आपके साथ क्या क्या हुआ है और आप किसके बारे में बताना चाहती हैं चंद्र सिंह? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे साथ नौकरी का झांसा लेके मुझे बिहार लेके गया। बिहार लेके जाने के बाद मेरा शारीरिक शोषण किया। कम से कम 7 साल तक मैंने ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण बनाया और फिर बच्चा भी पैदा हो गया, वो भी लड़की पैदा हो गई, तो उसको अपनाने से इनकार कर रहा है। ऊपर से कह रहा है कि नाचने गाने वाले से कौन शादी करेगा। नाचने वाले मुझे खुद बनाया, उसने सब चीज़ उसने खुद किया और बच्चा जाने के बाद बस बच्चे को नाम देने से। तो मैडम आप बता सकते हो कि जब आप फर्स्ट टाइम पटना गए थे तो आपकी एज क्या थी? मेरी एज 15 साल थी। ओके, तो आपको वो किस ब्योहत पे लेके गया था? नौकरी के ब्योहत पे, जॉब दिलाने। तो आपको 15 साल की एज में आपको नौकरी मिल गई? बोला कि ऑफिस में जॉब करेंगे, ऑफिस में नौकरी दिलाएंगे, वही चाय पानी के लिए इसलिए लेके गया था। और शोषण करता रहा 2 साल तक। नवाब से बात भी नहीं करने दिया, उसके बाद बात करने दिया तो नॉर्मली बात करने दिया। और ड्रम खाता था, डराता था कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैडम अब आपकी कितनी साल की लड़की है? मेरी 1.5 साल की लड़की है। तो वो उनका कहना क्या है कि आप उनको आपके साथ रखना नहीं चाहते आपको? उसने मेरे को 7 साल तो शारीरिक शोषण मेरे साथ किया। ऊपर से कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है। तो आपने उसके अलावा कभी किसी से कोई शारीरिक शोषण बनाया? आपकी जो लाइन है नहीं। तो फिर वो आपको ऐसे कैसे कह सकता है? आपने कोई केस करा पटना में? पटना में मैंने केस किया, महिला थाना में केस किया, गांधी मैदान थाना में पर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब तक मेरी बेटी 2 महीने की बेटी थी, महिला थाना लेके दौड़ रही थी, कोई एक्शन कोई कंप्लेंट नहीं। उसके बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर थे भैया, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, मीडिया के सामने नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की, न्यूज़ में छापा, तब वहाँ पे मेरी FIR दर्ज हुई मुश्किल से। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप जब जिस टाइम पे वो आपके साथ सर्विस, आपका पहला बेबी था ये या उससे पहले भी कुछ था? उससे पहले भी मेरे पास बेबी हुआ था पेट में, मेरे को झूठ बोल के दवाई खिला दी गई थी, 2 बच्चे मेरा गिरवा दिया है, 3रा बच्चा मैंने खुद बोला था कि हम शादी करेंगे तुमसे, वो तो बहुत पहले से बोला था कि शादी करेंगे। और इस बार इसने खुद ये बच्चा रखा, बच्चा पैदा तो खुद ने मेरे से बात कर रहा था। जब उसको मालूम चला कि बेटी हुई है, जब से वो ना ही मेरे से बात करता है ना ही मेरा फोन। तो मिस शशि जी आप ये बता सकते हैं कि आप उसके घर पे उसके फैमिली मेंबर वगैरह से आप मिली हैं कभी? उसकी मम्मी से मिली, उसके दोनों भाई से मिली हुई हूँ। तो उनकी मम्मी और भाई का नाम पता है आपको? हाँ, उसकी मम्मी और भाई का नाम पता है। तो उनकी मम्मी का नाम क्या है? देखना पड़ेगा, मैं ID प्रूफ रखी हुई हूँ। उसके भाई का नाम, एक का बउआ है, एक का नाम भगवान। तो वो जिससे आपका रिलेशनशिप है 7 ईयर से, तो वो शादीशुदा है या अनमैरिड है? मेरे से जब मिला था तब तो मुझे मालूम था कि अनमेरिड है, और इसने मुझे झूठ बोला। मैं इसके घर जब गई इसकी मम्मी को बोलने के लिए कि आपकी नतनी हुई है, तब ये मालूम चला कि मुझे ये शादीशुदा है और 2 बच्चे का बाप भी है। तब सब कहाँ सो रहे थे जब मेरी लाइफ आपका बेटा बर्बाद कर रहे थे, जब आप मेरे पास आ रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? तो आपको मतलब कि आपके बेबी होने से पहले आपको नहीं पता था? नहीं पता था। तो आप उनके घर पे बेबी होने से पहले कभी गए हो? नहीं, कभी जाने ही नहीं दिया। अच्छा, तो आपसे क्या काम करवाता था वो? मेरे से डांस प्रोग्राम करवाता है। डांस प्रोग्राम किस टाइप का डांस? ऑर्केस्ट्रा जिसे बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करवाता। अच्छा, तो उसके जो पैसे आते थे वो कहाँ जाते थे आपके? जी, और आपकी फैमिली में मतलब कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा हैं, किसी काम के लिए ड्रिंक वगैरह करते हैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली ने कभी भी आपको 2 साल के अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं की? कांटेक्ट करवाता था बस, वो खुद ही बात करता था और मेरे से कभी बात नहीं करवाता। तो आपकी फैमिली वालों को क्या मतलब, अब कहाँ रहते हो आप? अभी तो मैं बिहारी में रहती हूँ, आई हुई हूँ यहाँ पे कंप्लेन के लिए। जब से बच्चा मुझे बेटी पैदा हुई, जब से वो मुझे छोड़ा हुआ है, ना ही बात करता है, ना ही कुछ करता है, और कहना है कि टॉर्चर करवाता है बस।
तो अब आपकी बेटी का आधार कार्ड वगैरह उस पर जिसका किसका नाम है उस पर? उस पर आधार कार्ड अभी मेरी बेटी का नहीं बना है, कोई आईडी प्रूफ नहीं बना है, हॉस्पिटल का पेपर में भी बाप का नाम नहीं डला है। अच्छा, बहुत मुश्किल से डिलीवरी की थी जी। आपकी डिलीवरी कहाँ पर हुई थी आप बता सकती हैं? मेरी डिलीवरी दिल्ली में हुई थी, दिल्ली भेजा गया था मुझे, उसने ही भेजा था। अच्छा, तो आपके साथ वो खुद आया था डिलीवरी के टाइम पे या आपके पेरेंट्स थे? डिलीवरी के टाइम पे मेरे साथ वो खुद नहीं आया था, मेरे मम्मी थी खाली, पापा भी नहीं थे, कोई फैमिली में नहीं था, खाली मम्मी डिलीवरी के समय थी। तो आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बेबी किसका है और आप मतलब कहाँ से? आपकी मम्मी ने कुछ ऐसा आपको बताया नहीं? मम्मी को तो उसने खुद बताया था कि मतलब कि आपकी लड़की मतलब ऐसा ऐसा। हाँ, तो आपकी मम्मी एग्री हो गई थी करने के लिए? नहीं, पेरेंट्स में से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, पर हाँ उसने मुझे शादी का झांसा देके ही सारी संबंध बनाया। और फर्स्ट टाइम जब संबंध बनाया, जब आप उसके साथ 7 साल से रह रही थी, तो आपने कोई कानूनी सलाहकार भाई क्यों नहीं करी? करने नहीं थी उसने। आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला जब आप डांस वांस करते हो स्टेज शो पे होते हो तो आप किसी को बता सको? जाने ही नहीं देता था, जहाँ भी मैं जाती थी पीछे पे जाते, किसी से बात करती थी तो वहाँ खड़ा होकर सुनता था, कहीं नहीं किसी को, अगर मैं किसी से मिलने चल जाऊँ तो वहाँ जाके मारपीट करता था, बहुत लोगों को मारा भी हुआ है। अच्छा, तो आप उसकी फैमिली का कोई आईडी प्रूफ वगैरह आपके पास? मेरे पास उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, मेरे साथ तक की उसके साथ तक की कोई फोटो नहीं छोड़ा। अच्छा, तो आप ये बता सकती हैं कि मतलब आप पटना में कौन से एरिया में रहती हैं? पटना के गांधी मैदान के एरिया में रहती थी, अब मैं मीठापुर के एरिया में चली गई हूँ, मीठापुर बस। तो आप ये बोल सक बता सकते हैं कि आप अब क्या काम करती हैं अपनी लड़की के लिए? अभी भी बेटी का पेट पालने के लिए मैं डांस ही करती हूँ। तो मतलब आप क्या काम, मतलब जब काम करती हैं आप, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में मेम्बर में अभी भी उनको ये पता है कि आप ये काम करती हैं? जी हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर पता है कि उस काम के अलावा मेरे पास कुछ काम भी नहीं है ना, मुझे आप कहाँ नहीं दिया उसने। मिस ससी जी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं 9th तक पढ़ी हूँ, मुझे पढ़ने भी नहीं दिया आगे। एक केस जो आपने थाने में बीघात थाने में गए थे, जो बीघात में जो पुलिस वाला आपको कोई सपोर्ट दिया? कोई सपोर्ट नहीं दिया, ऊपर से मुझे ही उल्टा सीधा बोलती है पुलिस वाले। आप कहाँ कहाँ कंप्लेन दिए हुआ? महिला थाना में कंप्लेन दी गई और गांधी मैदान थाना में कंप्लेन दी गई। अभी तक पुलिस वाला गांधी मैदान थाना का तो जो मुंशी है, वो एक बार तो मुझे सुसाइड करने पे उस मुंशी ने मजबूर कर दिया था, मेरे साथ बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, थाना में कंप्लेन लेने गई, कंप्लेन लिखाने गई तो बोला कि भाग जाओ यहाँ से, सर नहीं है। फिर भी मेरे साथ गलत हुआ तो आप कंप्लेन क्यों नहीं लीजिएगा? कंप्लेन नहीं ली गई और मुंशी उल्टा सीधा बोल रहा था, ऊपर से हाथ उठा रहा था मारने के लिए गांधी मैदान थाने को मुंशी। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी आपके साथ? नहीं, उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं की, उस टाइम मैंने सुसाइड भी किया। तो आप बता सकते हैं उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ वो रहता है, आपको कोई जगह पता है आपको कहाँ कहाँ रखा उसने? मुझे हाँ पूरा मुझे पता है कहाँ कहाँ रखा, पहले हाजीपुर सराय में रखा जी, उसके बाद मीठापुर बस स्टैंड में रखा, उसके बाद गांधी मैदान में रखा, और उसके बाद जो बच्चा हो गया।